जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि है कि पुलिस आपकी गाड़ी को कब सीज कर सकती है, इसमें आपके अधिकार क्या हैं, आप इससे बच कैसे सकते हैं। व्हेन विल पुलिस सीज योर व्हीकल, आपकी गाड़ी को सीज कब किया जाता है RTO कर्मी, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, कोई अधिकार कहाँ से मिला है, कब सीज कर सकते हैं, इससे सावधानियां और इससे प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो आपके इस वीडियो में आज के जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, नहीं तो आपसे कुछ जानकारियाँ छूट जाएगी जिससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है, फ्यूचर में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इससे आप बचें, पूरे नियमों को जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक आप लोग करते नहीं हैं लास्ट में कहने से मेरे, तो पहले ही आपसे अर्जी और विनती या दरख्वास्त आप बोल सकते हैं लगाना चाहता हूँ, लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें RTO कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए, फ्यूचर में बेल आइकन को ऑन, घंटी को जरूर दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर आप वीडियो छूट जाएगी। आइए स्वागत करते हैं हमने हमारे चैनल पर, वीडियो में फोकस करते हैं हमारा टॉपिक पर। पुलिस आपकी गाड़ी को सीज करती है तो उसके पास क्या अथॉराइजेशन है, क्यों आपकी गाड़ी को सीज कर देती है, तो इसको अधिकार किसने दिया है, इनको अधिकार, जो पुलिस को अधिकार है, पुलिस को कहने से मेरा मतलब होता है ट्रैफिक पुलिस या RTO कर्मी, समझ पा रहे हैं आप, इनको अधिकार जो है वह भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। कैसे दिया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो सेक्शन है आपका 207 सेक्शन 207 के तहत पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गाड़ी आपकी जब्त कर सकते हैं। सीज का मतलब हिंदी में होता है जब्त करना, तो पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सेक्शन नंबर 207 के तहत यह कानूनी अधिकार है कि अगर वह कुछ आपकी, जो भी मैं बताने वाला हूं कि आपको किस दशा में आपकी गाड़ी को जब्त किया जाता है, सीज किया जाता है, इन गलतियां जो ड्राइवर या चालक या मालिक, वाहन मालिक करता है तो आपकी गाड़ी को सीज जब्त कर सकते हैं। आइए बताते हैं आपको किस दशा में आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। देखिए, अगर इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो अगर इन नियमों के विरुद्ध आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है या की जाती है तो आप इसको वहां पर आगे कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी इलीगल तरीके से सीज की गई है। लेकिन अगर आप ये गए गलतियां करते हैं तो आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं रहेगा, जो अधिकार की बात मैं कर रहा हूं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, मुख्यतः जो चार कारण होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी को सीज करने के जो पुलिसकर्मियों के पास होते हैं, तो सबसे पहला लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना, सबसे पहले तो यही है। इसमें बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ सीज होते हुए मैंने देखा है और होती भी हैं खतरनाक तरीके से, यानी कि गाड़ियों सड़क पर लेके जा रहे हैं, वो खुद तो असुरक्षित हो ही रहे हैं, साथ साथ दूसरों को भी जान जोखिम में डाल रहे हैं, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना, तो इस केस में बहुत ज़्यादा गाड़ी को सीज किया जाता है, इसमें ही लापरवाही आती है। खतरनाक तरीके से जब आप गाड़ी कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो इसमें आपको बचना है, खतरनाक ड्राइविंग नहीं करनी है, मिसलेनियस एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, आप अपनी गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाएंगे तब आपका गाड़ी सीज नहीं की जाएगी, ना ही कोई चालान कटेगा। चालान कटने के साथ ही साथ आपकी गाड़ी को सीज भी किया जाता है, आपको पता होता है। तो ये आपको पता है कि सिविल पुलिस जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस या RTO कर्मी, आपकी गाड़ी को चालान काटने के साथ साथ सीज भी कर देते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि चालान तो कटता है, तो सीज कौन कौन से दशा में की जाती है, सीज इसी सेक्शन में की जाएगी कि आप गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, लापरवाही तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, आप दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट क्या है, नंबर टू पॉइंट है लापरवाही तरीके, वाहन MBL डॉक्यूमेंट्स ना होना, वाहन के MBL मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर, वो ना होना सबसे मेन कारणों में से एक है। अब कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वह डॉक्यूमेंट्स अगर आप पास नहीं है तो आपका चालान कटेगा और आपकी गाड़ी भी सीज करने का अधिकार पुलिस को है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 207 के तहत आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। वह डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर वन ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर दो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर तीन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर, नंबर चार आपकी गाड़ी का परमिट, चाहे वो स्टेट परमिट हो, नेशनल परमिट हो, अगर कमर्शियल व्हीकल हैं तो। तो ये मुख्यतः जो है वो चार डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर नहीं हैं तो आपकी गाड़ी सीज की जा सकती है, या ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा,
बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आज की आज क्लियर हो जाए आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े फ्यूचर में। तो क्या समझ में आया आपको कि नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और आपकी गाड़ी का परमिट, आइदर नेशनल और स्टेट, अगर कमर्शियल गाड़ी है तो। अगर आपके पास पीयूसी नहीं है तो उसके लिए चालान काटा जा सकता है, मैक्सिमम चालान 10,000 रुपये का दिल्ली में है पीयूसी के लिए। हेलमेट नहीं है तो मैक्सिमम चालान 1,000 रुपये है, समझ पा रहे हैं आप? लेकिन अगर पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास आरसी नहीं है, इंश्योरेंस पेपर नहीं है आपकी गाड़ी का, तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। नंबर दूसरा पॉइंट यही है। नंबर तीसरा पॉइंट पर बढ़ते हैं, प्रॉपर एविडेंस, मुख्य सबूत होना कि आपकी गाड़ी इलीगल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटी में संलिप्त पाई गई है, यह तीसरा पॉइंट है। आपकी गाड़ी सीज जब्त इस प्रकरण में की जा सकती है कि आरटीओ कर्मी, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस के पास मुख्य सबूत हो हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में या फिर मिसलेनियस एक्टिविटी में संलिप्त पाई गई है, तो आपकी गाड़ी को वो सीज कर देंगे। चाहे आप पूरा डॉक्यूमेंट भी दिखा दें, गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, परमिट सब दिखा दें, फिर भी आपकी गाड़ी सीज की जाएगी, लेकिन तभी जब उनके पास प्रॉपर एविडेंस होगा। तो नंबर चौथा, खतरनाक, गलत या अनैतिक तरीके से गाड़ियों को पार्किंग करना। यहाँ पर भी आपकी गाड़ी, आप मान के चलिए कि 70% 60% गाड़ी तो सिटीज़ में केवल इलीगल पार्किंग पर ही सीज कर दी जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं आपकी गाड़ी में चुंग लगाते हैं, गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, ट्रेन पर लाद के लेके चले जाते हैं, आप पीछे पीछे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप गलती करते हैं, गलत तरीके से इलीगल एरिया में पार्किंग कर देते हैं। तो वही इस पॉइंट है चौथा वाला, कि खतरनाक तरीके से, गलत तरीके से या फिर अनैतिक तरीके से पार्किंग करना आपकी गाड़ी पर भारी पड़ सकता है, गाड़ी आपकी सीज जब्त हो सकती है। तो ये मुख्यतः चार कारण हैं। अगर इन चार कारणों के अलावा गाड़ी आपकी सीज कर रहे हैं पुलिसकर्मी, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में, यह आपके राइट्स होंगे। लेकिन अगर आप इन चार गलतियों में, जो चार पॉइंट्स मैंने आपको शेयर किए अभी, इनमें अगर आपकी गाड़ी को सीज किया जा रहा है तो आपकी गाड़ी सीज होगी, क्योंकि आपने इन नियमों को तोड़ा है और पुलिस के पास कानूनी अधिकार है, वो आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि उनको राइट्स मिला है, अधिकार मिला है। लेकिन आपके राइट्स क्या हैं? आपके राइट्स हैं इन गलतियों को ना करें। इन गलतियों के अलावा आपकी गाड़ी को सीज किया जा रहा है तो आप वहाँ पर उस वहाँ पर प्रकरण को आगे लेके जाएं, कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं आप। लेकिन अगर इनमें पाए जाते हैं गलत, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको चालान जो भी कटा है वो सब भरना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट में जाकर अपनी गाड़ी को छुड़वाना पड़ेगा। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आरटीओ के रोड परमिट ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, साथ साथ हमसे इंस्टाग्राम पर @TinkerRahulji कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई पर्सनल बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, हमें टैग करने ना भूलिएगा। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर नीचे प्रोवाइड है, जाकर जुड़िए, क्वेश्चन पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।